नमस्कार मित्रों, 27 अगस्त 1896 की वो तारीख जो दुनिया में सबसे छोटे युद्ध के रूप में दर्ज की गई। इस युद्ध को गिनीज बुक्स में भी सबसे छोटे युद्ध में माना गया है। एक छोटे से आइलैंड पर लड़े गए इस वार को 38 मिनट वार्स एंड द एंग्लो जांजीबार वार के भी नाम से जाना जाता है। और इसी आइलैंड पर दुनिया का आखिरी स्लैब मार्केट भी लगता था। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे ब्रिटेन की शक्तिशाली रॉयल नेवल फोर्स के सामने मात्र 38 मिनट में एक सल्तनत ने घुटने टेक दिए। मित्रों, अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। इस वार को समझने से पहले हमें इस आइलैंड की लोकेशन और इम्पोर्टेंस को समझना जरूरी है। यह आइलैंड ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया देश के करीब 40 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में लोकेटेड है, जो व्यापारिक नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंस था। तो इस पर कई सारे देशों की नजर बनी रहती थी। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, साल 1840 के दशक में इस आइलैंड पर सल्तनत ऑफ ओमान का कब्जा था और ये सल्तनत एक पावरफुल सल्तनत थी, तो इस पर किसी ने भी हमला नहीं किया। लेकिन साल 1896 में ओमान के सुल्तान सैद बिन सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तब ओमान की गद्दी के लिए इनके बेटों में फूट पड़ गई। इससे ओमान दो हिस्सों में टूट गया। तो बड़े बेटे ने ओमान की गद्दी संभाली और छोटे बेटे ने जांजीबार को ओमान से अलग करके एक नया मुल्क बना लिया। अब अरब के देश इस नए मुल्क को मानने से इनकार कर दिए, पर ब्रिटिशर्स के लिए यही सही मौका था और उन्होंने छोटे बेटे को सपोर्ट किया और जांजीबार को नया मुल्क माना। जांजीबार के आय का स्रोत यहाँ पर स्लेव मार्केट था, यानी वो मार्केट जहाँ गुलामों की खरीद परोक्त होती है। साल गुजरते गए और जांजीबार के सुल्तान बदलते गए, जिन पर ब्रिटिशर्स का हाथ रहता था। जहाँ दुनिया भर में स्लेव मार्केट बंद हो चुके थे, वहीं जांजीबार में ये स्लेव मार्केट अभी भी चल रहे थे, जिससे ब्रिटिशर्स को दुनिया भर में क्रिटिसिज्म का बहुत शिकार होना पड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेज ही थे जो जांजीबार में सुल्तान का सपोर्ट कर रहे थे। अब अंग्रेज सुल्तान पर प्रेशर बनाकर स्लेव मार्केट बंद करवाना चाहते थे। काफी कोशिशों और एग्रीमेंट के बाद 1873 में दुनिया का आखिरी स्लेव मार्केट को भी बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक आते आते ब्रिटिशर्स का जांजीबार पर कंट्रोल काफी बढ़ चुका था। अब हम आते हैं मेन कहानी 1896 पर। जांजीबार के सुल्तान की अचानक मृत्यु हो जाती है। सुल्तान के अपने ही कजिन खालिद बिन सैद ने इनकी जहर देकर हत्या कर दी थी और खालिद जांजीबार की गद्दी पर खुद ही बैठ जाता है, वो भी बिना ब्रिटिशर्स की मर्जी के। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अगला सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद बने, जो ब्रिटिशर्स का एक पपेट सुल्तान था। अब गुस्साए ब्रिटिशर्स सुल्तान के महल में एक धमकी नामा भेजते हैं। ब्रिटिशर्स धमकी नामे में लिखते हैं कि 27 अगस्त सुबह 9 बजे तक महल खाली हो जाना चाहिए, पर नए सुल्तान खालिद सैनिकों को इकट्ठा करके खुद ही महल में डटे रहे। धमकी के तुरंत बाद ही नेवल फोर्स ने जांजीबार आइलैंड को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। 25 और 26 की रातें महल में बहुत भयानक तरीके से बीती। अब 27 अगस्त सुबह के अल्टीमेटम के एक घंटे पहले ही सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को एक पत्र भेजा और कहा कि हम बातचीत से समझौता करना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स की तरफ से साफ जवाब आता है कि बातचीत तभी होगी जब तुम हमारे हुक्म को मानोगे। तब 8:30 पर सुल्तान का एक और पैगाम जाता है और उसमें साफ लिखा था कि हमारा जांजीबार तख्त छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अब सुल्तान खालिद अपने करीब 3,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया अल्टीमेटम 9 बजे का समय भी समाप्त हो जाता है। ब्रिटिश रॉयल ने भी हमले करना शुरू कर देती है। ब्रिटिश के शुरुआती हमले में ही सुल्तान का महल ताश की पत्तों की तरह ढह गया। तो तुरंत ही सुल्तान महल के पीछे वाले रास्ते से निकल कर जर्मनी वाले हिस्से में भाग जाता है। दरअसल समझौते के अनुसार ब्रिटिशर्स और जर्मन अफ्रीका को दो हिस्सों में बांट लिए थे। वहीं 38 मिनट लगातार फायरिंग के बाद आइलैंड के सैनिक ब्रिटिश झंडे को लहराकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। सुल्तान की तरफ से 500 सैनिक मारे गए और ब्रिटिशर्स की तरफ से मात्र एक सैनिक घायल होता है। अब आइलैंड पर ब्रिटिशर्स का कब्जा होने के बाद ब्रिटिशर्स अपने पसंद के सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद को जांजीबार का नया सुल्तान घोषित करते हैं और इस तरह से एंग्लो जांजीबार वार समाप्त हो जाता है और इसे दुनिया में सबसे छोटे युद्ध के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।